जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। हम लोग आज समझेंगे वेनेशन, अर्थात इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिराविन्यास। क्या होता है ये वेनेशन या शिराविन्यास? केवल ये देख के आप डरिएगा नहीं, है ना। अब ये कहाँ पाया जाता है? एक्चुअली ये पत्तियों में पाया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, ये उनके पत्तियों में ये चीज़ देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको क्या मतलब जानने का इसका, है ना। तो एक्चुअली जो लोग किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको उनको उनसे उन एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, है ना। और कुछ लोग इंटरेस्ट की वजह से भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप देखेंगे तो आनंद आएगा, है ना। अब ऐसा है नहीं, ये अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना देखें इसको, इससे अच्छा तो हम 30 सेकंड के रील ही देख लेंगे, 75 ठो, है ना। तो इसको क्या देखें, क्या मज़ा मिलेगा? तो मज़ा मिलेगा भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो मज़ा मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं ये वेनेशन क्या होता है और ये इसको शिराविन्यास जो कहते हैं ये क्या कहते हैं, कैसे होता है ये। एक्चुअली देखिए, जो लीफ होती है, जैसे ये पत्ती, हम ये अगर बना दें ये पत्ती किसी भी प्लांट की, ये ऐसे एक लीफ है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। इससे आपको भी कुछ और चीज़ें मिलेगी, जो केवल इंटरेस्ट में देखना चाह रहे हैं ना, उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं इसमें। देखिए, अब ये जो लीफ है एक, अब इस लीफ में कुछ देखिए ऐसा देखने को मिलता होगा आपको, बीच में एक ऐसा मिडरिब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। फिर इसमें ऐसे 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 कुछ डिजाइन बनी हुई होती है, ऐसे ऐसे, इस तरह से आप पत्ती देखे होंगे। अब देखिए, ये जो डिजाइन बनी है ये एक्चुअली सभी लीफ में ना ये डिजाइन अलग अलग टाइप की होती है। जो ये यहाँ पे ये ऐसे डिजाइन दिख रही है, ये इनकी डिजाइन ऐसे दिखाई दे रही है, सब में अलग अलग का पैटर्न होता है। सभी लीफ में अलग अलग लीफ पैटर्न में ये डिजाइन बनी होती है। इसी जो अलग अलग पैटर्न है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं शिराविन्यास या वेनेशन। बस समझ आ गई? तो अगर केवल कोई जानना चाहता है वेनेशन क्या, तो बस वेनेशन यही है। क्योंकि ये जो अब इसको क्या, ये जो वेन है, ये एक प्रकार से ना, ये जैसे कि ह्यूमन में आर्टरी वेन होता है, उसमें ब्लड की सप्लाई होती है, इसी तरह से इनके में भी जो वेन है, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो होते हैं, वाटर, उन सब इनके सप्लाई इसमें होते रहते हैं। तो इसी तरह से इनका जो पैटर्न होता है, इसी को बोला जाता है वेनेशन। बात समझ गई? अब देखिए, ये जो पैटर्न है ये सभी लीफ में अलग अलग होते हैं। तो हम लोग आज ये समझेंगे इसमें कि कौन सी लीफ में जो कैसे कैसे वेनेशन होते हैं और उनका क्या क्या नाम होने वाला है, और वो किस प्लांट में, किस पौधों में कौन सा टाइप का वेनेशन पाया जाता है। और इसमें एक बात और जानेंगे कि हम पत्ती को देख के, जैसे अगर किसी को हमको पत्ती दे दिया जाए तो हम देख के ये बता देंगे, अगर हम लोग ये सीख लेंगे तो पत्ती को देख के हम लोग ये बता पाएंगे कि पत्ती डाइकॉट की है कि मोनोकॉट की है। डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री है ये पौधा। क्योंकि देखिए, जो सीड होती है, अगर उसमें ऐसे बीच में दो दाल है, जैसे चना है ना, चने को फोड़िए उसमें दो दाल निकलेगा, तो जो जो जिसमें ऐसे ऐसे होती हैं वो सारे द्विबीजपत्री अर्थात डाइकॉट होते हैं। तो इन पत्ती को भी हम देख के बता देंगे कि कौन सा प्लांट है, ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। एक ये भी इंटरेस्टिंग वाली बात है, अभी कैसे बताएंगे हम लोग उस पर बात करेंगे, जब इसका टाइप पढ़ेंगे, है ना। तो अब देखिए, इन्हीं के पैटर्न को बोलते हैं। तो अब आगे हम लोग चलेंगे तो ये वेनेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है, ये लीफ में ही है, यहाँ पे हमने अपने से लीफ बनाया था। अब यहाँ पे देखिए लीफ दिखाई दे रहा है, देखिए ये भी एक लीफ ही है जो दिख रही होगी, और इसमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इसे इस तरह से वेनेशन। ये भी एक लीफ है, इसमें पैरेलल वेनेशन लिखा हुआ है, अभी मिलेगा ये क्या होता है पैरेलल वेनेशन, मतलब समांतर। और देखिए ये भी एक लीफ है, रेटिकुलेट वेनेशन। अब देखिए, जो लीफ में अगर आप कोई पास से देखेगा, अगर लीफ को कोई पास से देखेगा तो ये कुछ इसमें देखिए, ये एक ये हो गया, बाकी ये देखिए बीच में ये ऐसे 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 बहुत सारे। आप देखिए ध्यान से, लीफ हमको लाना चाहिए था लेकिन लाए नहीं, खैर आप लोग तो पत्ती जानते ही होंगे तो देख ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे है नहीं। तो अब देखिए इसमें भी ऐसा होता है, और देखिए एक ये भी वेनेशन है, ये जैसे केला की पत्ती है, इसमें देखिए अलग टाइप का है। तो सब में ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हीं को हम लोग समझेंगे, पहले बात ये ना, ये जो वेनेशन होता है, मतलब ये शिराविन्यास जिसको बोलते हैं, ये दो टाइप से होता है।
एक होता है जालिकावत यानी रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा होता है समांतर या पैरेलल वेनेशन। अभी घबराइएगा नहीं, अभी इनका हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कौन कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है। और जो ये जालिकावत होता है इसमें देखिए दो टाइप है, एक है ये पिन्नेट या पक्षवत बोलते हैं हिंदी में, और ये पामेट या पर्णिवत बोलते हैं इसको। अब ये अमरूद पीपल में पाया जाता है, और जो ये वाले हैं ये दो टाइप के हो गए, ये वाले हैं आपके दो टाइप से। देखिए अब दो टाइप से हैं, तो ये जो पर्णिवत है ये दो टाइप का है, तो अब इसमें एक है अभिसारी या कन्वर्जेंट या अपसारी डाइवर्जेंट। ये बेर में, दालचीनी में, कद्दू में, रेड्डी में ये पाए जाते हैं। इस तरह से आप समांतर में आएंगे तो आपको ये मिलेगा पिन्नेट, ये पैरेलल का पिन्नेट, बाकी जो पिन्नेट है ये इसका भी पिन्नेट और इसका भी पिन्नेट, या पक्षवत बोलते हैं, और ये पाणिवत या पामेट है ना, ये केला अदरक में देखने को मिलता है, और ये इसमें भी दो टाइप का, एक अभिसारी और एक अपसारी। अपसारी मतलब कन्वर्जेंट और अपसारी मतलब डाइवर्जेंट। और अपसारी अभिसारी जो होता है बांस में, घास में पाया जाता है, और ये जो होता है ये इसमें देखने को मिलता है। देखिए ये पंख पांडी या सर पांडी या ताड़ बोलते हैं, उसमें देखने को मिलता है डाइवर्जेंट। अब हम लोग इनको बढ़िया से इस अलग अलग पूरा पैटर्न इनका समझेंगे, ये क्या है, ये कैसा होता है, पैरेलल कैसा होता है, रेटिकुलेट कैसा होता है। ठीक है चलिए तब शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे पहला है, दिखाई दे रहा होगा, जालिकावत। पहला क्या है यहाँ पे, जालिकावत शिराविन्यास, ये वाला। अब इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पे एक लीफ दिखाई दे रही है आपको, ऐसे यहाँ पे हमने इमेज लेकर रखा है, ये लीफ दिखाई दे रही है पत्ती। देखिए इसमें जालिकावत शिराविन्यास, जालिका मतलब इससे जाली कैसे होती, देखिए आप अगर आप जाली देखे होंगे तो ऐसे ही तो जाली होती है ना, मतलब बहुत सारा ऐसे ऐसे पास पास, ये ऐसे 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 जो कर दो ये क्या बनेगा, ये ऐसे जाली टाइप के बन गया है। तो ये जो इस तरह का दिखेगा वो कहलाएगा जालिकावत शिराविन्यास या रेटिकुलेट शिराविन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं इसको। तो जिस जिस लीफ में ये इस तरह का वेनेशन दिखाई देगा, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जिस जिस लीफ में इस टाइप का वेनेशन दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऐसे जाली टाइप का दिखाई दे रहा है, आप समीप से लेके देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब देखिए एक्चुअली ये पाया कहाँ जाता है, ये ऐसे पौधे में पाया जाता है जो पौधे होते हैं डाइकाट अर्थात द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब जिनके सीड में डबल कॉटिलीडन होते हैं, जैसे चना है, तो अगर आप चना ऐसे चना होता है इस तरह से लगभग, इसको आप बीच में फोड़ेंगे तो इसमें से दो दाल निकलेंगी, तो ये दो कॉटिलीडन है तो कहलाएगा दो बीज पत्री। इसी तरह से जितने भी प्लांट हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, और मसूर हो गया, अरहर हो गया, ये सब डाइकॉट में आते हैं, और जो भी आम इमली ये सब भी किस में आते हैं, डाइकॉट में आते हैं। तो एक्चुअली जितने भी डाइकॉट के प्लांट है सारे डाइकॉट में इस तरह का वेनेशन देखने को मिलता है, मतलब पैरेलल वेनेशन, सॉरी रेटिकुलेट वेनेशन। अब सभी द्विबीजपत्री में या डाइकॉट प्लांट में मिल सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के तौर पर कुछ मोनोकॉट में भी मिलता है, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ एक्सेप्शन होगा जैसे मोनोकॉट प्लांट, अब मोनोकॉट प्लांट में जैसे स्माइलेक्स होता है एक, अब देखिए मोनोकॉट प्लांट जिसमें होता है जिसमें कि केवल ये दो ना हो गए, केवल एक दाल हो, जैसे जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया है ना, मतलब धान ये हो गए, और जितने भी ग्रासेस हैं इस सब में ये सब होते हैं मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में नहीं होता, ये होता है डाइकॉट में। अब डाइकॉट में तो सभी में होता है, लेकिन कुछ मोनोकॉट भी हैं जैसे कि स्माइलेक्स, इसमें भी ये रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अब देखिए रेटिकुलेट वेनेशन के कुछ टाइप थे जो यहाँ पे, अब रेटिकुलेट वेनेशन का ये पहला टाइप है पछवत या एक सिरा युक्त या पिन्नेट या यूनि ओस्टेट बोलते हैं। ये एक्चुअली आम में, अमरूद में, पीपल में, बरगद आदि में इसे देखने को मिलता है। अब ये देखिए पछवत या पिन्नेट का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक पीपल का पत्ता दिखाई दे रहा होगा है ना, ऐसा लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग पत्ते लाते थे उसको पानी में कुछ दिन रख के सड़ाते थे, फिर उसका वो ग्रीन कलर वाला जो है या ब्राउन कलर हट जाता था, फिर इस तरह से उसका वेन वेन पूरा दिखाई देता था है ना। तो ये वाला जो कंडीशन है ये है तो रेटिकुलेट वेनेशन का, लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन का एक टाइप है। अब देखिए इसमें कैसा टाइप है कि ये एक बीच वाला, ये मेन मिडरिप है जिसको बोलते हैं, एक ऐसा है, बाकी इससे ऐसे ऐसे निकल के गए हैं इधर से ऐसे ऐसे, और ये कहीं
जाके आपस में मिले नहीं है, इनका जो पैटर्न है ये ऐसा है। और बीच में देखो ये सब जो ऐसे जाली बनी है, ये तो रेटिकुलेट बेनेशन शो करते हैं कि इसमें जाली बनी हुई है। तो अगर ये मिड रिब से बीच में निकला एक दूसरा वेन और सीधा सीधा ऐसे गया है और कहीं पे भी ऐसे मिले नहीं हैं, तो ये कहलाएगा रेटिकुलेट वेनेशन का कौन सा पार्ट है, पिन्नेट टाइप का या यूनिकोस्टेट टाइप का, या हिंदी में उसको बोलते हैं पचवत या एक सिरा युक्त टाइप का वेनेशन है। ये किस में पाया जाता है, अमरूद में, आम में, पीपल में, बरगद में। और ये देखा जाए तो एक प्रकार का कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन रेटिकुलेट में भी ये कौन सा टाइप है, पछवत या पिन्नेट टाइप का, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप, इसका दूसरा टाइप है पाणिवत या बहुसिरा युक्त, या इसको पामेट बोलते हैं या मल्टी कॉस्टेट बोलते हैं। अब देखिए मल्टी कॉस्टेट में ये दो टाइप होते हैं, एक होता है अभिसारी प्रकार का या कन्वर्जेंट टाइप का। अब ये पाया जाता है बेर में, दालचीनी में, तेज पत्ता, कपूर कुचला आदि में ये सब चीज पाए देखने को मिलता है ऐसा वेनेशन। अब देखिए कन्वर्जेंट मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे यहाँ से ऐसे एक मिड रिब निकला है और इसके देखिए बगल से ऐसे गया है, फिर जाके यहाँ पे क्या हो गया है कन्वर्ज, मतलब ये ऐसे जाके मिल गए हैं। तो जिस तरह का अगर ऐसा पैटर्न किसी भी लीफ में देखने को मिलेगा तो वो, और इसमें देखिए ऐसे जाली जाली बनी है हर जगह पे, इस तरह से ये पूरा जाली तो बनी है इस तरह, तो ये रेटिकुलेट तो है, लेकिन कौन सा टाइप, रेटिकुलेट का कन्वर्जेंट टाइप, यानी अभी सारी प्रकार का, और बेर में, दालचीनी में, तेजपत्ता, कपूर कुचला, इन सब में इसी तरह का वेनेशन देखने को मिलेगा। बात समझ आ गई। अब इसी का दूसरा पार्ट है अपसारी प्रकार का। अपसारी मतलब ये होता है कि देखिए यहां से ये निकला है और ये ऐसे बिखर जा रहा है, इधर ओरिजिन जहां से होते फिर ऐसे बिखर जा रहा है, ये ऐसे बस में आ रही है, तो ये ऐसे बिखर रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट, जैसे अपने स्थान से डाइवर्ज हो जाना है ना, दूर चले जाना, तो इसमें कुछ ऐसा डाइवर्जेंट टाइप को देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट टाइप का या अपसारी टाइप का। ये आपका कद्दू में, खीरा में, ककड़ी में, पपीता में, रेड्डी, गुड़हल, ये सब में इस तरह का वेनेशन पाया जाएगा। तो रेटिकुलेट वेनेशन का ये पूरा कंप्लीट टाइप हो गया, तीन टाइप के थे ये। एक तो देखिए रेटिकुलेट में क्या था कि ये पूरा क्या होगा, ऐसे जाली जाली देखने को मिलेगा, और इसमें भी फिर ये टाइप थे, एक पीपल वाला हो गया जिसको हम लोग बोले थे पछमावत या पिन्नेट टाइप का, और दूसरा क्या था, दूसरा था पाणिवत या बहुसिरा युक्त या पॉमेट। भाई इसका इंग्लिश ज़्यादा याद रखना, सिंपल वही है क्योंकि बहुत थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये पामेट टाइप का है, अब ये मल्टी कॉस्टेट टाइप का है। अब इसमें दो टाइप का हो गया, एक हो गया अभिसारी और एक हो गया अपसारी प्रकार का। अभिसारी मतलब ऐसा होगा और अपसारी मतलब इस तरह से होगा। अब दूसरे चलते हैं पैरेलल वेनेशन। अब देखिए पैरेलल वेनेशन का मतलब ये होता है, जैसे पैरेलल मतलब आप क्या होता है, जैसे आप समझते हैं ना समांतर, हिंदी में क्या बोलते हैं समांतर, समांतर रेखा है ना। आप लोग अगर गणित पढ़े होंगे तो गणित में, मैथ में ज्योमेट्री आती है ना, उसमें आपको समझते होंगे समांतर रेखा। देखिए ऐसे एक लाइन है, ऐसे ये क्या है, ये पैरेलल है, मतलब पहले दूसरे को काटेगी नहीं। तो कुछ ऐसा सीधा सीधा वेनेशन देखने को मिलेगा तो उसको क्या कहलाएगा, पैरेलल वेनेशन। बात समझ आ गई। अब देखिए ये जो होता है ये अधिकांश एक बीजपत्री पौधों में ये पैरेलल टाइप का वेनेशन पाया जाता है, मतलब जो भी जैसे लीफ है, ऐसे हम यहाँ बनाए एक ऐसे, देखिए देखिएगा ये अगर कोई इसमें लीफ, जैसे मान लीजिए ये एक लीफ है, तो इस लीफ में ये ऐसे 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 ये पूरा ऐसे एकदम पैरेलली रहेगा, ये यहाँ से शुरू हुआ है बस सीधे सीधे चलता चला जाएगा, कहीं पे भी ऐसे इसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये सभी मोनोकाट में पाया जाता है, मतलब एक बीजपत्री में, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री भी हैं जैसे कोलियोफिलम या कोलोफाइलम बोलते हैं, इसमें ये डाईकाट है, ये डाईकाट है, लेकिन इसमें भी कैसा पाया जाता है, ये यही है कोलोफिलम का प्लांट, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डाईकाट में भी पैरेलल वेनेशन पाया जाता है इसमें, जैसे उसमें देखिए डाईकाट में रेटिकुलेट था केवल एक था स्माइलेक्स, मोनोकाट उसमें पाया गया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो कोलोफाइलम जो होता है ये होता है डाईकाट, लेकिन इसमें कैसा वेनेशन पाया जाता है, पैरेलल टाइप का। सभी मोनोकाट में पैरेलल वेनेशन होता है, लेकिन इसको छोड़ के कोलियोफाइलम ये डाईकॉट है, इसमें भी पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी उसी तरह से टाइप होंगे जैसे उसके थे। तो एक हो गया पहला ये पछमावत, पछवत या
एक कोशी एक एक सिरायुक्त या पिन्नेट या यूनिकोस्टेट ये बोलते हैं, है ना, यूनिकोस्टेट वाला। अब देखिए इसमें, देखिए ये केला हो गया, अदरक हो गया, वैजयंती हो गया, कैना जिसको बोलते हैं, वैजयंती के फ्लावर आप जानते होंगे, जैसे इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं और ऐसे रेड कलर के येलो कलर के फ्लावर होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पत्तियां होंगी उसमें पैरेलल वेनेशन होगा, और पैरेलल कैसा होगा, देखिए यहाँ पे ये केले की पत्ती दिखाई दे रही, देखिए ये इसका ऐसे ये पत्ती है इधर ऐसी, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये इसकी मिड रिब है, मेन जो वेन है, इनसे क्या हुआ, ऐसे ऐसे निकला है स्ट्रक्चर, ये ऐसा ऐसा, ये देखिए क्या है, ये एक पैरेलल वेनेशन कैसा है, और ये कैसा है, पिन्ने टाइप का, है ना, ये पिन्ने टाइप का कहलाएगा ये पूरा जो ऐसे दिखाई दे सब में। तो आप केला की पत्ती को लेके या अदरक की पत्ती को लेके, वैजंतिक पत्ती को लेके, इन सबको देखेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये कैसा है, पहला तो बात तो पैरेलल वेनेशन, और दूसरा बात क्या है, ये पिन्नेट टाइप का या एक सिरा युक्त, क्योंकि एक इसमें एक ही सिरा युक्त होगा, है ना। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा है ये पाणिवत या बहुसिरा युक्त, या इसको बोलते हैं पामेट टाइप का या मल्टीकोस टाइप का, इस यही उसमें भी था जो रेटिकुलेट में। अब ये पैरेलल का पामेट है, पैरेलल का मल्टीकोस्ट है, बात समझ आ गई। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है अभिसारी या जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट टाइप का, और एक होता है अपसारी या डाइवर्जेंट टाइप का, बात समझ आ रही है। ये वाला देखिए जो अभिसारी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक स्थान से शुरू हुआ और ऐसे जाके एक स्थान पे कन्वर्ज हो गया है, ये ऐसे कन्वर्ज हो रहा है और इसमें सब में से लाइनें जा रही हैं। अब जो पैरेलल लाइन होता है उसमें, इसमें अंतर ये कि पैरेलल लाइन कभी काटती नहीं है, लेकिन ये काट दे रहे हैं, तो इसमें ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये पैरेलल नहीं है, ये उस तरह से मिलता जुलता है, तो इसको पैरेलल बोल दिया गया है। और देखिए इसमें ये ऐसे ऐसे एक स्थान शुरू हुआ है और जाके यहाँ पे मिल गया है, और इसमें जो है इसमें ऐसा नेटवर्क नहीं होगा, इसमें जाली लाइक नहीं होगा, ऐसे केवल ऐसे जो भी लाइन होगा ऐसे पैरेलल ही होगा बराबर बराबर पे, तो ये कहलाएगा पैरेलल। और ये वाला जो है ये है अभिसारी टाइप का। अब ये कहाँ पाया जाता है, घास में, चावल, बांस, जलकुंभी जिसको आइकॉर्निया बोलते हैं, इन सब में यही टाइप का वेनेशन पाया जाता है। अब दूसरा देखिए अपसारी या डाइवर्जेंट टाइप का है, ये पंख पर्णी या ताड़ में देखने को मिलता है, पंख पर्णी या उसको सप्त पर्णी भी बोलते हैं, ये इसको यहाँ पे ये है, ये वाला इसका डायग्राम है, ये सप्त पर्णी या पंख पर्णी नाम से ये फेमस है। तो इसके जो लीफ है उसमें इस तरह से ये वाले इसमें देखने को मिलता है पंख पर्णी में। अब देखिए अब इसमें दूसरा है ताड़, ताड़ में भी जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला, ये है ताड़ का प्लांट जिसका वो बनाया जाता है, वो क्या बोले पंखा बेल बेना बोलते हैं ना उसको चलाना, जैसे चलाते हैं ऐसे लोग हवा, जैसे गांव में गर्म लाइट नहीं है, गर्मी नहीं चली है, ये तो मिलता है मार्केट में इस तरह से, इसी की बनाए बेचते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये पामेट है लेकिन अब सारी मतलब डाइवर्जेंट, शुरू कहाँ से हुई है, यहाँ से, और ऐसे क्या है, ऐसे बिखर रही है, ऐसे शुरू हो रही है और ऐसे बिखर जा रही है, एक स्थान से शुरू होगी और जाके ऐसे दूर दूर बिखर जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट टाइप का है, ये है डाइवर्जेंट और ये है कन्वर्जेंट। तो ये हो गया आपका विन्यास या वेनेशन। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की लीफ में अलग अलग टाइप का आपको लीफ देखने को मिलेगा। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इसमें ये होगा कि ये जो यहाँ पे है, बस ये ध्यान नहीं रखना है कि जो पैरेलल होता है ये पाया जाता है मोनोकॉट में। तो अगर आपको कोई पत्ती दे दी जाए, कोई लीफ दे दी जाए, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये इसका ये जो प्लांट है ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, बात समझ आ गई। ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए, और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि डाइकॉट में, तो आप पत्ती देख के, जैसे मान लो आपको सीड सीड देख रहे हैं तो पहचान, जैसे चना दे देंगे, चना में दो दाल होता है, देख के जान जाएंगे कि क्या है डाइकोटिलेडन। लेकिन अगर क्या पत्ती दे देंगे तो आप पत्ती को देख के बता पाएंगे कि ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट। तो जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा वो होगा मोनोकॉट का प्लांट यानी एक बीजपत्री, और जिसमें होगा रेटिकुलेट वेनेशन वो होगा डाइकॉट अर्थात दो बीजपत्री का पौधा है, ठीक है। तो अब हम ये समझें कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, आपके एग्जाम में अगर कुछ आएगा तो इन सब के जो एग्जाम्पल हैं वो सब आएंगे, बाकी इंटरेस्ट की बात जो है वो है ही पत्ती को पहचानना। वाह, अब आप लोग जाएंगे देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग चलेगा ना कि इसको देख लीजिए मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, इसमें कैसा वेनेशन पाया जा रहा है, ठीक
ठीक है, हम लोग फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे है ना, किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।